देखिए ये घर ऐसे ही एक कॉलोनी है जिसको जर्जर घोषित किया जा चुका है। पूरे ईंटों के बीच में जो जुड़ाव के जो लगाया जाता मसाला या मिट्टी जो थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। ईंटें कहा जा रहा है कि गिर रही हैं अंदर, ये जो मसाला लगा था ये पूरी तरीके से ये मिट्टी अंदर दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि रेलवे विभाग के द्वारा इसे जर्जर घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक जर्जर मकान गिर जाने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। शनिवार यानी 16 सितंबर को लखनऊ के आलमबाग के आनंद नगर फतेह अली चौराहे के किनारे बनी सालों पुरानी रेलवे कॉलोनी में एक मकान गिर गया, जिसमें दबकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। सूचना मिलते ही बचाव दल और पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बचाव दल के आने से पहले ही लोगों ने बॉडी को घर से बाहर निकाल दिया था। ये फतेह अली तालाब के L60 क्वार्टर्स है, तो ये सारे क्वार्टर सब जर्जर हैं, इसलिए फिर भी इसमें लोग रह रहे थे। तो रात में कब गिरी इसी किसी को पता नहीं, तो सुबह जब लोग नहीं जगे हैं तो पता चला है। तो हम लोगों को सूचना मिली, जब कमांडेंट साहब का हमारे निर्देश हुआ कि तुरंत पहुंचो घटनास्थल पर, जैसे सूचना मिली हमारी टीम मूव करके यहाँ पर आई, तब तक यहाँ के लोगों द्वारा उनको निकाल लिया गया था और हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अभी कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत? कुल पाँच लोग थे जो यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो निकाले हैं बता रहे हैं कि उनको 5 लोग निकाल करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक रूम था, एक रूम गिरा था। अस्पताल भेजे गए हैं, जैसे रिपोर्ट हो। रात में कितने बजे का मामला है ये? रात की घटना है, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, तो सुबह जब वो लोग नहीं जगे हैं, कोई हरकत नहीं हुई, तब पता चला। अभी की क्या स्थिति है SDRF ने? अभी क्या कुछ? अभी हम लोग वहाँ सर्च कर लिए, पूरा सर्च कर लिया, वहाँ कोई है नहीं, कोई विक्टिम शेष नहीं है, पूरा सर्च कर लिया गया हम लोगों ने। आपको बता दें कि ये मकान पहले ही रेलवे द्वारा जर्जर घोषित कर दिया गया था, उसके बावजूद लोग यहाँ रह रहे थे। आलमबाग इलाके में जर्जर मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। ये रेलवे कॉलोनी का ये मकान था जहां पर देर रात ये हादसा हुआ, लेकिन इसी कॉलोनी में दूसरे मकान भी हैं। उनके हालात कैसे हैं आपको दिखाते हैं कि ये पूरी जो सामने आप जो लोग देख रहे हैं ये वो उस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं जो इस घटना को सुनने के बाद यहां पर पहुंचे थे। और अगर घर की बात करें आप, देखिए ये घर ऐसे ही एक कॉलोनी है जिसको कि जर्जर घोषित किया जा चुका है। पूरे ईंटों के बीच में जो जुड़ाव के जो लगाया जाता मसाला या मिट्टी जो थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। ईंटें कहा जा रहा है कि गिर रही हैं अंदर, ये जो मसाला लगा था ये पूरी तरीके से ये मिट्टी अंदर दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि रेलवे विभाग के द्वारा इसे जर्जर घोषित किया जा चुका है, लेकिन लोग फिलहाल इसमें रह रहे हैं। अभी सामने की लेन के मकानों को गिराया जा चुका है, लेकिन अभी ये मकान नहीं गिराए गए हैं। और ऐसा ही वो मकान था जिसमें देर रात सो रहे कि परिवार के 5 लोगों की छत गिरने से मौत हो गई। बहरहाल मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंच गए हैं और इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।